हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू। आज मैं आपके लिए अपने चैनल पर क्लास फोर्थ से, क्लास फोर्थ कंप्यूटर सब्जेक्ट से एमसीक्यू लेकर आई हूँ पार्ट टू, जिसमें पार्ट वन में हमने चैप्टर वन, टू एंड थ्री को शामिल किया था और आज हम चैप्टर फोर्थ एंड फाइव से एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, टू चेंज साइज ऑफ द फॉन्ट वी क्लिक ऑन। फॉन्ट की साइज को चेंज करने के लिए इसमें से हम कौन से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे? ऑप्शन ए फॉन्ट, बी फॉन्ट साइज, सी फॉन्ट कलर एंड डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉन्ट साइज। क्वेश्चन नंबर टू, इन फॉर्मेटिंग टूल बार बी स्टैंड फॉर ऑप्शन ए बोल्ड, बी ब्लैक, सी बॉन्ड, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बोल्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री, आफ्टर सेलेक्टिंग हेलो इफ वी क्लिक ऑन आई कमांड इट गिव्स फॉलोइंग रिजल्ट। सेलेक्ट करने के बाद, हेलो पर हम सेलेक्ट करने के बाद आई कमांड देते हैं तो इनमें से कौन सा रिजल्ट हमें प्राप्त होगा? ए बी सी डी, हेलो किस प्रकार लिखा हुआ दिखेगा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हेलो, इस प्रकार थोड़ा सा तिरछा दिखेगा। आई से हम इटैलिक कमांड देंगे और इस प्रकार हमारा लिखा हुआ दिखे। क्वेश्चन नंबर फोर, अलाइंस ऑल ऑफ द सेलेक्ट टेक्स्ट टू द राइट एंड लेफ्ट मार्जिन इज कॉल्ड। अलाइनमेंट में हम सभी टेक्स्ट को ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके राइट एंड लेफ्ट मार्जिन देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जस्टिफाई। लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से हम मार्जिन देते हैं तो उसे हम जस्टिफाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट आर एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? ऑप्शन ए थ्री, बी फोर, सी फाइव एंड डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फोर। एम एस वर्ड में फोर अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। कौन से सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर से हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं? एम एस वर्ड, बी एम एस एक्सेल, सी एम एस पावर पॉइंट या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एम एस पावर पॉइंट, जिसमें हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, शॉर्टकट की टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन इज। प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्ट की का हम प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए एफ वन, बी एफ टू, सी एफ फाइव या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी F5 से हम प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, स्टेटस बार इज प्रेजेंट एट द ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। स्टेटस बार में, पावर पॉइंट विंडो पर स्टेटस बार कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए टॉप में, बी बॉटम, सी लेफ्ट, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बॉटम। पावर पॉइंट में विंडो में स्टेटस बार बॉटम पर प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच व्यू बटन इज यूज टू डिस्प्ले प्रेजेंटेशन स्लाइड वन बाई वन। इनमें से कौन से ऑप्शन से हम व्यू बटन को यूज़ करते हुए प्रेजेंटेशन को स्लाइड वन बाई वन हम डिस्प्ले कर सकते हैं? ऑप्शन ए नॉर्मल, बी स्लाइडर सॉर्टर, सी रीडिंग, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नॉर्मल। इसमें से नॉर्मल व्यू बटन पर हम यूज़ करते हुए डिस्प्ले प्रेजेंटेशन स्लाइड को वन बाय वन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन, न्यू ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट विच टैब। न्यू ऑप्शन में हम न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए इनमें से कौन से टैब्स में हम जाएंगे? ऑप्शन ए होम,
बी फाइल शी इंसर्ट डी नन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए होम। होम पर जाकर हम न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए न्यू ब्लैंक स्लाइड ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। स्लाइड्स आर द पेजेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन। स्लाइड्स है पेजेज ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। कितने पेजों का प्रेजेंटेशन होता है? इंडिविजुअल, बी डबल, सी ट्रिपल, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नन। स्लाइड किसी भी पेज का प्रेजेंटेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2। इन फॉर्मेटिंग टूल बार बी स्टैंड फॉर ऑप्शन ए बोल्ड, बी ब्लैक, सी बॉन्ड, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बोल्ड। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।